दोस्तों आज की कहानी है भैया भाभी भी तो इंसान है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। डोरबेल लगातार बजती जा रही थी। कौन है जो लगातार बेल बजाए जा रहा, कहते हुए निधि ने दरवाजा खोला। सामने अपनी ननन मीनल को देख वह खुशी से उछल पड़ी। मीनल तू तो कल आने वाली थी, उसने सहते हुए कहा, लेकिन मैंने सोचा कि आपको सरप्राइज दे दूं। मीनल ने हंसते हुए कहा, तू और तेरे ये सरपाइसल अंदर तो आ। निधि ने उसे गले लगा दे हुए कहा, मीनल निधि की प्यारी ननन। निधि की शादी के साल भर बाद से मीनल पहले पढ़ाई और फिर जॉब के सिलसिले में बाहर ही थी, लेकिन अब बेंगलोर में जॉब लग जाने के कारण वह भैया भाभी के साथ ही रहने वाली थी, इसलिए मीनल और निधि दोनों बहुत खुश थी। भाभी भैया नहीं आए अभी तक, 7 बज गए। चाय पीते पीते मीनल ने पूछा, हाँ आजकल ये लेट ही आते। मीनल ने धीरे से कहा, भैया रात 9 बजे आए और मीनल से मिलकर बहुत खुश है। भैया कितनी देर कर दी आपने, कब से आपका इंतजार कर रही हो, मीनल ने रूठते हुए कहा। अच्छा कल से देर नहीं हुआऊंगा, अब तो खुश हो जा, भैया ने उसे मनाते हुए कहा। इस हंसी खुशी के बीच भी मीनल पता नहीं क्यों घर में एक अजीब सा तनाव महसूस कर रही थी। भैया भाभी के बीच में बहुत कम बिल्कुल औपचारिक बात ही हो रही थी। मीनल आज शाम को तैयार रहना, ऑफिस में पार्टी है, तुम भी चलना है, भैया ने दूसरे दिन नाश्ता करते हुए कहा। ठीक है भैया, मैं और भाभी तैयार हो जाएंगे शाम में। अरे तेरी भाभी तो जाती रहती है, वैसे भी छोटी सी पार्टी है, सिर्फ तुम ही चलो क्यों निधि, भैया ने भाभी से पूछा। हाँ ये सही कह रहे मीनल, तुम ही चले जाओ, फिर घर में भी बहुत सा काम है, कहते हुए निधि रूम में चली गई। तभी किचन में पानी लेने जाती मीनल के कानों में भैया भाभी की बातें पड़ी। भाभी कह रही थी, मुझे भी ले चलिए ना, कितने दिन हो गए आपके साथ कहीं गए हुए, फालतू की बातें मत करो, तुम्हें साथ ले जाकर अपनी इंसल्ट करानी है क्या, न उठने बैठने का, न पहनने उठने का, न बोलने सालने का, कोई भी चीज का कोई सलीका नहीं है, तुम्हें बिल्कुल फूड हो, बाकी लेडीज को देखो कैसे घर और बाहर दोनों कितनी स्मार्टली मैनेज करती, अपनी मीनल को देखो कितनी एक्सपर्ट है, और एक तुम हो गुड फॉर नथिंग, कहते हुए भैया ऑफिस निकल गई। भैया के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मीनल दंग रह गई। मीनल तुरंत भाभी के पास गई, भाभी ये सब क्या है, भैया आपसे ऐसे कैसे बात कर सकते, उसने पूछा। निधि तेरे जाने के कुछ समय बाद ही नीलेश का भी बेंगलोर ट्रांसफर हो गया, शुरू में सब बहुत अच्छा था, ये मुझे सब जगह ले भी जाते थे, किंतु फिर धीरे धीरे ये मुझे ले जाने से कतराने लगे, इतने ज़्यादातर फ्रेंड्स की पत्नियाँ ब्रेकिंग है, स्मार्ट है, मॉडर्न है, फ्राटेदारी इंग्लिश बोलते हैं, उनके सामने मुझ जैसी सिंपल कम पटी लेकी हाउस वाइफ को ले जाने में इन्हें इंसल्ट महसूस होती है, कहते हुए भाभी की आवाज़ में भरा। ये सुनकर मीनल ने तुरंत ही नीलेश को फोन किया। भैया आज मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगी, फिर भाभी से कहा, भाभी जल्दी से तैयार हो जाओ, पहले आपके फेवरेट रणवीर कपूर की मूवी, फिर डिनर, खूब मजा करेंगे, पर अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें बहुत जरूरी काम है, निधि ने सोचते हुए कहा। हाँ आपके साथ मस्ती करने से ज़्यादा जरूरी और क्या होगा, मीनल ने हंसते हुए कहा। उसी दिन बहुत समय बाद निधि भी खुलकर हंसी। कुछ दिनों में मीनल ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, जहाँ एक और नीलेश निधि के खाने को बकवास बता टिफिन न ले जाकर कैंटीन में खाता था, वहीं दूसरी
और मीनल रोज टिफिन में भाभी से नई नई डिशेज बनवा कर ले जाती थी, खुद भी बड़े साफ से खाती और ऑफिस में भी सबको खिलाती थी। एक दिन मीनल ने निधि से कहा, भाभी आज शाम ऑफिस में पार्टी और आपको भी सलने, शाम को तैयार रहिएगा। मैं पर मैं क्या करूंगी वहां जाकर, मुझे तो कुछ आता भी नहीं और मेरे पास तो पार्टी में पहने लायक मॉडर्न ड्रेस भी नहीं है। निधि ने नर्वस होते हुए कहा, भाभी आप इतना घबरा क्यों रही हैं, ट्रस्ट मी आपको बहुत अच्छा लगेगा जाकर। और रही बात कपड़ों की, तो जो आपका मन करे वो पहनो, अब तो हर ड्रेस में कमाल लगती हो, मीनल ने निधि को शांत करते हुए कहा। शाम को कोजीवरम सिल्क साड़ी में सदी निधि पार्टी में पहुंची, सभी उसे बहुत प्यार और सम्मान से मिले, सबने उसके खाने की जमकर तारीफ की। निधि जी आपके हाथों में तो जादू है, पेट भर जाता है मन नहीं, मीनल के बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा। सर भाभी के हाथों में नहीं पैरों में भी जादू है, भाभी ट्रेन क्लासिकल ड्रेस है, मीनल ने बताया। अरे वाह, अब तो एक परफॉर्मेंस बनती है, सबकी रिक्वेस्ट पर निधि ने भरता ट्यूम की एक छोटी सी पर सूती डी डांस, इतना मन भावन था कि सभी मंत्र मुग्ध हो गए। निधि जी अगले महीने हमारे शहर में इंटरनेशनल कल्चरल समिट है, जिसमें देश विदेश के कई नामचीन कलाकार और फॉरेन डेलीगेट्स शामिल होंगे, मैं चाहता हूँ कि आप भी उसमें फॉर्म पर करें। पार्टी में मौजूद इंटरनेशनल कल्चरल समिट के ऑर्गेनाइजिंग हेड की ये बात सुनकर निधि को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, वह जोर शोर से तैयारियों में लग गई। इंटरनेशनल कल्चरल समिट में निशा मीनल के साथ नीलेश भी पहुंचा, वह निधि को परफॉर्म के करते देख वो सोख गया। उसे सोखते देख निधि ने पूछा, भैया भाभी की परफॉर्मेंस देखकर सोख रहे हो, या देखकर कि जैसे साथ ले जाने में भी आपकी शलत होती थी, जो आपके अनुसार गुड प्रोनीत है, वही आज अपनी कला से इंटरनेशनल मंच की शोभा कितनी खूबसूरती से बढ़ा रही है। मीनल की बातें सुनकर नीलेश का सिर शर्म से झुक, भैया हर इंसान में कोई ना कोई खूबी अवश्य होती है, जरूरत होती है उसे खोजने और उभारने की, अगर दूसरों से तुलना कर भाभी को निशा दिखाने के बजाय आप उनकी खूबियों को निखारते तो आज यूं सर झुकाने की नौबत नहीं आती। कहते हुए मीनल अपनी भाभी के पास चल गई।